6 और हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्रुप प्रॉपर्टी की, वो थ्योरम है प्रूव दैट लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोवेरिएंट वेक्टर पजेस ग्रुप प्रॉपर्टी और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। मीन्स कोवेरिएंट वेक्टर जो होता है वो ग्रुप प्रॉपर्टी को रखता है अथवा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को रखता है। तो जिस प्रकार से हम लोग कंट्रावेरिएंट के लिए प्रूफ किए थे बिल्कुल उसी पैटर्न में इसको लिखेंगे। सो लेट कंट्रावेरिएंट में वेक्टर में केवल एक इंडेक्स होती है, सुपर इंडेक्स होती है। कोवेरिएंट वेक्टर में एक इंडेक्स होगी और सब होगी, यानी नीचे होगी। सो लेट ए आई, ए बार आई, ए डबल बार आई। आपको उन्होंने बताया था ट्रांजिटिव लॉ, यानी किसी भी सेट में कोई भी तीन एलिमेंट लेते हैं तो कोई रिलेशन ट्रांजिटिव होता है। यदि ए का रिलेशन बी से हो, बी का रिलेशन सी से हो, तो ए का रिलेशन सी से हो। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, तीन फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वी एन बार, वी एन डबल बार। तो लेट ए आई, ए बार आई, ए डबल बार आई आर कॉम्पोनेंट्स ऑफ कोवेरिएंट वेक्टर्स इन एक्स आई, एक्स बार आई, एक्स डबल बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। क्लियर? मीन्स सपोज दिस इज एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस इज एक्स बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड दिस इज एक्स डबल बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में यानी वी एन बार, वी एन डबल बार। क्लियर? वी एन कहें इसको, वी एन बार और ये वी एन डबल बार। अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ए आई कोवेरिएंट वेक्टर है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ए बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ए डबल बार आई ये कोवेरिएंट वेक्टर है। तो तीन कोवेरिएंट वेक्टर हैं ये। तो अपने को ये प्रूफ करना है कि इसका रिलेशन पहले इससे हो, फिर इसका रिलेशन इससे हो, फिर हम डायरेक्ट इसका इससे दिखा देंगे एंड हिज प्रूव्ड। क्लियर? सो लेट दीज आर थ्री कोवेरिएंट वेक्टर्स इन थ्री डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्लियर? नाउ ए बार आई इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन रूल लिखेंगे नॉन बार से बार। तो ए बार आई इज इक्वल टू डेल एक्स जे अपॉन डेल एक्स बार आई ए जे। ध्यान देना है यहाँ पर दोनों ही नीचे हैं इंडेक्स, इधर भी। अब यहाँ बार में आई है, देखिए यहाँ बार में आई है, जे डमी है, जे के स्थान में आप कोई भी इंडेक्स ले सकते हैं। क्लियर है? इसको मान लिया हमने वन। इसी प्रकार हम वी एन बार टू वी एन डबल बार, इसमें हम रिलेशन पढ़ेंगे। तो वी एन बार में क्या है, ए बार आई और इसमें ए डबल बार आई। क्लियर है? तो अब डबल बार से तो ए डबल बार जे इज इक्वल टू डेल एक्स के, तो डेल एक्स बार के अपॉन डेल एक्स डबल बार जे
ए बार के। यहाँ इंडेक्स में परेशान नहीं होना है, अपना सही कब होगा, इधर जैसे केमिस्ट्री में इक्वेशंस होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ इंडेक्स क्या है आई, तो राइट हैंड साइड में आई, जे जे डमी है, जे के स्थान में आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार अब ए डबल बार जे ले लिया हमने, तो डबल बार से सिंगल बार, तो जैसा यहाँ सिंगल बार से नान बार, तो डबल बार था तो यहाँ पर सिंगल बार रहेगा। अब यहाँ जे चूँकि नीचे है तो यहाँ जे नीचे है, के डमी है, ये कर दिया हमने, ये दो। अब एक और दो से देखिए, यहाँ पर ए बार के है ना, यहाँ ए बार आई है, यानी बार से मतलब है कि वी एन बार से का जो फार्मूला है यहाँ से हम यहाँ लिख देंगे, क्लियर। हाँ वो ही सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है समझा देते हैं, इसीलिए अलग लिख के समझाएं कि आपको परेशानी ना हो। तो देखिए फ्रॉम वन एंड टू, अब जैसे आपने कहा के लिख देते वो भी सही है, तो मान लीजिए हम समझा देते हैं, यहाँ पर हम के लिख दिए, ये के हो जाएगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा के हो जाएगा, तो आपको लिखने में सुविधा होगी। तो एक और दो से अब हम ए बार के की वैल्यू यहाँ से यहाँ रख देंगे, तो फ्रॉम वन एंड टू ए डबल बार जे इज इक्वल टू डेल एक्स बार के अपॉन डेल एक्स डबल बार जे। अब ए बार के, अब वास्तव में यहाँ क्या लिखा था ए बार आई, जैसा उन्होंने कहा कि भाई पहले से के लिख देते, मान लीजिए नहीं लिखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये डमी है, आई के स्थान में हम के दोनों जगह लिख देंगे, तो डेल एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर जे भी डमी है तो यहाँ भी जे लिखे हैं, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, यहाँ जे के स्थान में एल लिख दीजिए, डेल एक्स एल अपॉन डेल एक्स बार के और ए एल। क्या है आप कहें यहाँ जे लिखे हैं, यहाँ जे क्यों नहीं लिख रहे हैं, आप लिख सकते हैं जे यहाँ भी, जे भी डमी है, क्योंकि यहाँ भी जे लिखे हैं, यहाँ भी जे है, यहाँ भी जे, तो एक इंडेक्स के अलावा कोई नहीं लिख सकते हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग यह लिख दिए हैं। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए डबल बार जे इज इक्वल टू डेल एक्स एल अपॉन डेल एक्स डबल बार जे ए एल। ये जो है डेल एक्स के कैंसिल हो जाएगा, तो ए डबल बार जे सॉरी जे इज इक्वल टू ये डेल एक्स एल अपॉन डेल एक्स डबल बार जे ए एल। तो यही तो इसमें खूबी है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो इंडेक्स लिखते हैं हम लोग तो कोई भी लिख सकते हैं, बस ध्यान देना है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो है वही राइट हैंड साइड में हो, और जो डमी है डमी को हम किसी दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं।